नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की बड़ी मंडियों के आलू के ताज़ा भाव में। जी दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देश की सभी बड़ी मंडियों में आलू के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं, पिछले दिनों में कौन सी मंडियों में, साथ ही कौन से राज्यों में आलू के भाव में तेज़ी देखने को मिली है और कहां मंदी देखने को मिली है। वही दोस्तों, आने वाले समय में यानी आलू का भविष्य क्या रह सकता है, 15-20 दिन या महीने भर में आलू के भाव आ सकते हैं, आएंगे तो कितना उसमें उछाल देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के भाव हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही किसान भाइयों, अपना आलू बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी जरूर लिख दें, यानी आप कहां के रहने वाले हैं, कितना क्विंटल आपके पास आलू है, साथ ही किस दर पर आप आलू बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं वो आपका आलू अच्छे दाम पर है वो खरीद सकें। तो दोस्तों अब एक एक करके सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के आलू के ताज़ा भाव देख लेते हैं। शुरू करते हैं हरियाणा से। हरियाणा की अगर बात करें अस्ताहा मंडी में, तो यहाँ 2000 रुपये से लेकर 2400 रुपये आपका पर कुंटल आलू बिक रहा है। वहीं आपका बल्लभगढ़ की मंडी की बात करें तो 1200 रुपये से लेकर 1800 रुपये। अगर बात करें दहंड की मंडी की तो 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये। वहीं दोस्तों कल्याणवाला की मंडी की बात करें तो यहाँ 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये। वहीं दोस्तों बाकी औसत भाव हम देखें तो यहाँ आपके 2000 रुपये तक दोस्तों है आलू है वो हरियाणा में बिक रहा है। अगर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों की, तो मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में यहाँ दोस्तों हरदा की मंडी में 1400 रुपये से लेकर आपके 1600 रुपये, इंदौर की मंडी में 600 रुपये से लेकर 2000 रुपये, वहीं दोस्तों जबलपुर की मंडी में 1200 रुपये से लेकर 2800 रुपये। वहीं दोस्तों अगर बात करें बाकी मंडियों की, जिसमें आपकी नीमच की मंडी भी शामिल है, तो यहाँ 2800 रुपये तक औसत आपका मध्य प्रदेश में आलू बिक रहा है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों की, तो यहाँ अहमदनगर मंडी में आपके 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक बिक रहा है। नासिक की मंडी में 1650 से लेकर 2150 आलू बिक रहा है। वहीं दोस्तों मुंबई की ओनियन और पटेटो मंडी में आपके 1600 रुपये से लेकर 2200 रुपये बिक रहा है। सोलापुर की मंडी में 1500 से लेकर 2200 आपके तक आपका आलू बिक रहा है। पुणे की मंडी में 1800 से लेकर 2400, पुणे मोर्शी की मंडी में 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक आपका आलू बिक रहा है। अगर दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अच्छे खासे आलू के भाव औसत भाव आपको बता देते हैं। वहीं दोस्तों किसी भी मंडी का भाव जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ दोस्तों 1500 रुपये से लेकर हैं आपके 1800 रुपये तक आलू है वो औसतन है, वो 2000 रुपये तक भी बिक रहे हैं। अगर दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अच्छे खासे भाव मिल रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों किसान भाइयों को 2500 रुपये तक औसतन भाव हैं वो आलू के बिक रहे हैं। अगर दोस्तों अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों की, उत्तर प्रदेश की दोस्तों आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये। वहीं दोस्तों अलीगढ़ की मंडी में 1750 से 1850। वहीं दोस्तों इलाहाबाद की मंडी में 1755 से 2100 रुपये तक आपका आलू है वो हाल फिलहाल में बिक रहा है। अगर दोस्तों सभी बड़ी मंडियों की बात करें तो यहाँ औसतन भाव सभी बड़ी मंडियों में पिछले दिनों में है, यहाँ आपकी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तेज़ी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय भी तेज़ी देखने को मिलने वाली है, तो आपके आलू के भाव आपको अच्छे खासे मिलने वाले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।